नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर भी तक देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं मुमताज खान। और इस वक्त मैं हाजिर हूं 24 की खबर में, वो तमाम अहम खबरें लेकर जो इस साल यानी 2024 के हवाले से सियासी तौर पर अहमियत रखती। आइए शुरुआत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के रेवाड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने देश के 22वें एम्स का शिलान्यास किया और इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 2013 में मुझे पीएम के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया गया था तो मेरा पहला कार्यक्रम रेवाड़ी में हुआ था और उस समय रेवाड़ी में 272 पार का आशीर्वाद दिया गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर रेवाड़ी आया हूं, अब की बात 400 पार। एनडीए सरकार 400 पार। रेवाड़ी से मेरा रिश्ता कुछ अलग ही रहा है। मैं जानता हूं रेवाड़ी के लोग मोदी को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और अभी मेरे मित्र राव इंद्रजीत जी ने जैसे बताया, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जैसे बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को निशाना साधा और कहा कि आज कांग्रेस दूरगामी सोच के साथ सकारात्मक रणनीति नहीं बना सकती है। कांग्रेस राज में कई घंटे तक बिजली नहीं आती थी, कोई भी देश बगैर बिजली के विकसित नहीं हो सकता। अनेक गारंटियां गिना सकता हूं जो देशवासियों के आशीर्वाद से पूरी हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड देश की आधे से अधिक आबादी को दशकों तक छोटी छोटी जरूरतों से दूर रखना का है। सिर्फ एक परिवार के हित को। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के रेवाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी 2013 में जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे और देश आपको प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा था, उस यात्रा का श्री गणेश रेवाड़ी से किया गया। लगभग 10 साल पहले 2013 में जब आप प्रधानमंत्री अभी नहीं बने थे, जैसा राव साहब ने बताया, आप मुख्यमंत्री गुजरात के थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता आपको देख रही थी। उस यात्रा का श्री गणेश आपने रेवाड़ी से किया था 15 सितंबर 2013 को और आज वही रेवाड़ी की धरती है जहां पर यहां के लोगों की अपेक्षा वर्षों पुरानी ये मांग थी। यहां एम्स का जैसा 22वां केंद्र और अपने हरियाणा प्रदेश में भी हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की जो एक मुहिम चलाई थी उस पीएम मोदी के रेवाड़ी दौरे को लेकर हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी हरियाणा में चुनावी जुमले छोड़ने के लिए आते हैं। पीएम मोदी को चुनावी साल में ही एम्स की याद आती है। एम्स की नींव का पत्थर रखने में सरकार को 9 साल लग गए। ऐसा चलता रहा तो 2050 तक अस्पताल तैयार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज हरियाणा के चुनावी घोषणाओं के दौरे पर हैं। उम्मीद है कि अब हरियाणा आए हैं तो हरियाणा की जनता के कुछ सवालों का जवाब भी देते जाएंगे। हरियाणा की जनता ये जानना चाहती है प्रधानमंत्री जी कि साल 2015 में रेवाड़ी एम्स की घोषणा होने के बाद आज साल 2024 है, इसके बीच में आपने सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एम्स को याद किया और आंशिक बजट में एम्स का प्रस्ताव लेकर के आए। अब 2024 के लोकसभा चुनाव आ गए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और राजद के कार्यकर्ता मोहब्बत की दुकान खोलें और लोगों को जोड़ेंगे। हम सब मिलकर बीजेपी की तरफ से फैलाई गई नफरत के खिलाफ लड़ेंगे और हम जीतेंगे। हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और आप सब कांग्रेस के कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता 24 घंटा मोहब्बत की दुकान खोलिए, लोगों को छोड़िए,
और ये जो बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं इसके खिलाफ हम मिलके एक साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। ये देश नफरत का देश नहीं है, ये देश मोहब्बत का और भाईचारे का देश है। आपके खून में, आपके डीएनए में नफरत नहीं है, मोहब्बत और भाईचारा आदर है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप सब भली भांति जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री कैसे हैं, वो किसी की बात नहीं सुनना चाहते। वो कहते थे मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो चले गए। इसलिए इस बार किसी भी कीमत पर, चाहे कितना भी सहना पड़े, कितनी भी कुर्बानी देनी पड़े, हम नीतीश कुमार को लेकर चलेंगे और 2024 में बीजेपी नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने का काम। लेकिन आप लोग तो सब लोग अच्छे से जानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे, वो किसी का सुनना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी हमारा महागठबंधन का सरकार था, खुद का नहीं था। और एक हम लोग चाहते थे बड़े लक्ष्य क्यों लेकर के, नीतीश जी ने तो माफी मांगा ही था कि अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन बिहार की सियासत में कुछ ही दिनों पहले बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब राज्य के सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव के राजद का साथ छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। इसके बाद नीतीश नौवीं बार बिहार के सीएम के रूप में शपथ लेने पहुंचे। नीतीश के इस कदम के बाद से ही राजद के नेता उन पर हमला करते रहते। हालांकि पूरे घटनाक्रम के बाद पहली बार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने नीतीश को लेकर सार्वजनिक बयान दिया है। नीतीश कुमार को दोबारा मौके देने पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कहा अब आएंगे तो देखेंगे, खुला ही रहता है दरवाजा, फिर मौका देंगे आएंगे तो। अब आएंगे तो देखेंगे, मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए क्या? खुला ही रहता है दरवाजा, मैं क्या, फिर मौका देंगे आएंगे तो। अब आएंगे तो देखेंगे, मौका दे सकते। दरवाजा खुला हुआ है नीतीश जी के लिए क्या? आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आरएलजेपी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन के पुराने और ईमानदार सहयोगी है। अब गठबंधन में बहुत से नए नए लोग आ गए, उनकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम स्थायी सहयोगी हैं। हम एनडीए गठबंधन पर विश्वास करते हैं और एनडीए गठबंधन हम पर विश्वास करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक मत है, एकजुट है और हमारी पार्टी, हम एनडीए गठबंधन के पुराने सहयोगी हैं और ईमानदार सहयोगी। और आपको याद होगा कि जब 2014 में या 2019 में जब एनडीए गठबंधन का सीट का बंटवारा हुआ था तो उसमें भाजपा, जनता दल यू और आरएलजेपी तीन पार्टी का गठबंधन था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि विपक्ष ने तो इंडिया गठबंधन के नाम पर एक बेरोजी गठबंधन बनाने का काम किया था। जिस दिन पटना में बैठक हुई थी उस दिन नीतीश कुमार भी बहुत सदारत कर रहे थे। इंडिया गठबंधन को चिंता थी कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। नीतीश कुमार खुद एनडीए में चले आए। ममता बनर्जी का भी ऐसा ही हाल है। तेजस्वी यादव बेरोजगार हो गए, वे राहुल गांधी के साथ नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? तो एनडी नाम करके एक विरोधी गठबंधन बनाने का काम किया था महागठबंधन के रूप में। तो जिस दिन पटना में बैठक हुई थी नीतीश कुमार भी बहुत आगे पीछे हो रहे थे, उसका एक सदारत कर रहे थे। हम शुरू में ही कहा था कि इन लोगों का जो मिशन है वो गड़बड़ है। इन लोगों का मिशन ये नहीं था कि हाँ बेरोजगारी दूर हो जाए, इन लोगों का ये मिशन नहीं था कि हमारा चंद्रयान जो गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस जिस राज्य में राहुल गांधी के कदम पड़े वहां कांग्रेस का अंत दिख रहा है। जो कांग्रेस पार्टी उत्तर को दक्षिण से, पूर्व को पश्चिम से, हिंदू को मुसलमान से, अगड़ों को पिछड़ों से लड़ाकर शासन करती रही, लेकिन उसे ये मालूम होना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास
और सबको सम्मान देते हुए देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली सरकार। राज्य में श्री राहुल गांधी जी के कदम पड़े उस राज्य में कांग्रेस वैसे भी डूबता हुआ सूरज है, लेकिन वैसे वैसे कांग्रेस का अंत दिखाई दे रहा है। और श्री राहुल गांधी जी की उत्तर प्रदेश में तथा कथित भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कांग्रेस पार्टी उत्तर को दक्षिण से, पूरब को पश्चिम से, हिंदू को मुसलमान से, अगड़े को पिछड़े से, पिछड़े को दलितों से लड़ा करके शासन करती रही है, अब भारत जोड़ो ने यात्रा के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने को लेकर उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डीरेल है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, विपक्ष के पास कोई नीति और एजेंडा नहीं। तो क्या फर्क पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डीरेल्ड है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। कोई नीति और एजेंडा विपक्ष के पास नहीं है। तो क्या फर्क पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से डीरेल्ड है, उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। कोई नीति और एजेंडा विपक्ष के पास नहीं है। तो यूपी के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि इस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस पूरी तरह से डीरेल्ड हो चुकी पार्टी है। तो अब कांग्रेस की यात्रा को लेकर लगातार सियासी वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। ये तमाम बातें यूपी के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कही। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की इस यात्रा से हरगिज कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उत्तर प्रदेश की रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीटों पर कांग्रेस नेता अविनाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस जनों और पूरे उत्तर प्रदेश की आम जनता को बहुत आशा और अपेक्षा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा यहां से चुनाव लड़े, लेकिन इस मामले पर फैसला राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ही लेंगे। सिर्फ रायबरेली और अमेठी ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि वो यहां से चुनाव लड़े। देखिए, माननीय प्रियंका जी के लिए या माननीय राहुल जी के लिए सिर्फ रायबरेली और अमेठी नहीं लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश का कांग्रेस जन और जन सामान्य बहुत ही आशा और उम्मीद और जिद पे है कि उनको यहाँ से लड़ना चाहिए। लेकिन इस पर जैसा आप समझते हैं कि इस पर स्वयं निर्णय जो है ये व्यक्तिगत रूप से माननीय राहुल जी का और प्रियंका जी का स्वयं का होगा, तो उन्हें निर्णय लेना है कि इस चुनाव में उनको क्या भूमिका निभाना है। लेकिन बहुत ही आतुरता के साथ और बेसब्री से सिर्फ रायबरेली और अमेठी नहीं लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश की जनता यहाँ से वो चुनाव लड़े। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड से भाजपा पांचों लोकसभा सीटों पर 5-5 लाख वोट के अंतर से जीतने के लिए कड़ी तैयारियों में जुटी है। इस बात को लेकर अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए अल्मोड़ा सीट में शक्ति केंद्र पर काम हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री अल्मोड़ा के बॉर्डर पर यानी कुंजी कुट्टी जोलिंगपोंग और पार्वती कुंड आया और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से अल्मोड़ा को रोड कनेक्टिविटी का अवसर प्राप्त हुआ जो सिर्फ भाजपा सरकार में हो सकता है। मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जो लोकसभा की तैयारी भारतीय जनता पार्टी के स्तर पर बूथ तक के कार्यकर्ताओं का जो भी जिम्मेदारियां चल रही हैं, जो भी कार्य राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के द्वारा दिए जा रहे हैं, वो सब लोग हम लोग काम कर रहे हैं, शक्ति केंद्र तक काम कर रहे हैं। जिले के भी विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएँ और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप हो रहे हैं। और लोकसभा की दृष्टि से अगर आप कहना चाहेंगे तो मैं बड़ा सौभाग्यवान हूँ। कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कहा, में बताया गया कि देश की मुख्य विपक्षी पार्टी के सारे बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के खातों पर तालाबंदी हो गई है। हमें पता चला है कि युवा कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के खाते भी फ्रीज कर दिए गए। इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की वसूली मांगी है। हमारे खातों में क्राउड फंडिंग का पैसा फ्रीज कर दिया गया। चुनाव से ठीक 2 हफ्ते पहले जब विपक्ष के खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं तो लोकतंत्र को फ्रीज करने के बराबर। हम लोगों को परसों ये जानकारी मिली कि जो चेक हम लोग इशू कर रहे हैं वो बैंक्स उस चेक को ऑनर नहीं कर रहे हैं। उसके ऊपर जब हम लोगों ने आगे छानबीन करी तो हमें बताया गया कि देश की किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसान संगठनों से अगली बैठक के लिए रविवार का समय तय हुआ है।
मुझे विश्वास है कि रविवार को भी अच्छे वातावरण में बातचीत होगी और इन मुद्दों के हल के लिए हम आगे बढ़ेंगे। कानून व्यवस्था राज्य का विषय, उन्हें अपने यहाँ कानून व्यवस्था बनानी है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदर्शनकारी कोई हिंसा या तोड़फोड़ नहीं करेंगे। किसान संगठनों से मिलने के लिए वो आए, वार्ता भी बहुत अच्छी हुई और अगली वार्ता का समय भी रविवार का तय हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है रविवार को भी अच्छे वातावरण में बातचीत होगी और इन मुद्दों के हल के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जहां तक आपने पूछा कि केंद्र ने क्या किया, कुछ विपक्षी दल सवाल उठा रहे, मैं इतना ही कहूंगा, अगर 5-6 मुद्दों को देखा जाए, खाद, पानी, MSP पर खरीद या फिर बैंकों से ऋण से लेके मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है। राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा किसानों के प्रदर्शन को लेकर बयान देते हुए नजर आए और कहा कि किसान आंदोलन के दौरान नशे के कारोबारियों ने हरियाणा में भी अपना नेटवर्क बढ़ाया है। आज हरियाणा में भी नशा युवाओं को अपनी चपेट में ले रहा है। सजग है, कोशिश की जा रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऐसे आंदोलनों में असामाजिक तत्व आ जाते हैं, नशे के सौदागर आ जाते हैं, उनसे हमें चौकन्ना रहना है। प्रदेश की व्यवस्था आज हमारी हरियाणा में की बहुत उन्नत है। हमारा तो बहुत पिछड़ा प्रदेश था, ये तो हरियाणा का सौभाग्य था कि 68 में चौधरी बंसीलाल ऐसे इलाके से आके यहाँ। रामचंद्र जांगड़ा ने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान नशे का कारोबार बढ़ जाता है, नशे के कारोबारियों का नेटवर्क फैल जाता है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबारियों से अलर्ट रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान ये तमाम चीजों में इजाफा हो जाता है। हरियाणा में भी इन लोगों ने अपना नेटवर्क बढ़ाया। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि केंद्र सरकार के वरिष्ठ नेता किसानों से लगातार बातचीत कर रहे हैं और इसलिए इस विरोध का कोई मामला नहीं बनना चाहिए था। ये सभी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और यहाँ तक की कम्युनिस्ट पार्टियां भी इससे फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे क्योंकि किसानों का विरोध प्रकृति में अराजकतावादी नहीं हो सकता है और बातचीत भी जारी। केंद्र सरकार के बहुत सीनियर मंत्रीगणों का प्रतिनिधिमंडल बातचीत कर रहा है, तो ऐसे समय में यह आंदोलन का कोई औचित्य भी नहीं है। और दूसरा, जो किसानों के आड़ में कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, यह सब जो रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, इससे इनको फायदा नहीं होगा। किसानों का आंदोलन कभी अराजक नहीं हो सकता है। किसानों का आंदोलन अगर कोई है तो वो सरकार जब बातचीत कर रही है तो बातचीत करें, उसके अलावा कुछ है नहीं। आज से बोर्ड की परीक्षाएं CBSE की हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारे साथ NDA का कोई वास्ता नहीं है, ना ही हम आगे जाकर NDA के साथ आएंगे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जहां तक इंडिया गठबंधन को छोड़ने की बात है तो मैं साफ कर दूं कि इंडिया गठबंधन के पास पहले से ही 3 सीटें हैं। हमारा मकसद आज भाजपा को रोकना है। कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे को लेकर अभी कोई चर्चा नहीं हुई। अगर इंडिया गठबंधन का मकसद एक दूसरे को कमजोर करना है तो हम इस पर बात कर सकते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन का मकसद भाजपा को कमजोर करना है। ये सरासर गलत है, ये झूठ है, बेबुनियाद है। इसके मतलब मैं जानता हूँ ये क्यों किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों की आदत है, जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत देखते हैं तो हमें कमजोर करने की कोशिश जो है उसकी साजिशें रचाई जाती हैं, बातों को जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले ये कि NDA के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, ना आगे जाके हम NDA के दरवाजे। जम्मू कश्मीर में चुनाव और सीट बंटवारे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे लगता है कि दोनों राज्यों में चुनाव संसदीय चुनावों के साथ होंगे। जहां तक सीट बंटवारे का सवाल है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अकेले चुनाव लड़ेगी और इसमें कोई संदेह नहीं। मुझे लगता है कि दोनों रियासत और पार्लियामेंट्री इलेक्शन मुझे लगता है इकट्ठे होंगे। What about shared seat sharing? कल शायद उमर अब्दुल्ला इंडिया अलायंस के हवाले से शायद बात कर रहे थे। देखिए, जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर लड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। होगा, मुझे तो लगता है कि दोनों रियासत और पार्लियामेंट्री इलेक्शन मुझे लगता है इकट्ठे होंगे। What about shared seat sharing? कल शायद उमर अब्दुल्ला इंडिया।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा सरकार चाहती है कि सरकार और युवाओं के बीच कोई दूरी ना हो, इसलिए जब हम स्मार्टफोन और टैबलेट देते हैं तो सुनिश्चित करते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से युवाओं से संबंधित सभी योजनाओं से जुड़ा एजुकेशन हो, वोकेशनल एजुकेशन हो, इन सबको इस बारे में भी कहा गया कि भाई या हमारा जो औद्योगिक विकास का विभाग है कि हमारे पास गत वर्ष जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का हम लोगों ने यहाँ पे आयोजन किया था, इन्वेस्टर समिट के कार्यक्रम में जो हमारे पास प्रस्ताव आए, हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, निवेश मित्र पोर्टल और निवेश सारथी पोर्टल के साथ साथ इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम को भी हम लोगों ने काफी स्ट्रेंथन किया और यूपी ने उस मामले में। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड को देश का शीर्ष राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध, सभी जनहित की परियोजनाएं राज्य के विकास के लिए चलाई जा रही। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो एक मंत्र दिया है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास तथा सबका प्रयास, यह मंत्र हमने आत्मसात किया है और सरकार की नीति को नीति में मानकर इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसको ध्येय मानकर लगातार उत्तराखंड के जनगण मन की सेवा का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो एक मंत्र दिया है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, भाजपा विचारधारा की पार्टी है और इस पार्टी में लोकतंत्र, पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके काम के अनुसार बड़े पद मिले, ये सिर्फ भाजपा में ही संभव। आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं के बदौलत आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी है, सिद्धांतवादी पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है और लोकतंत्र इस पार्टी में है। हर तीन साल के तीन साल में इस पार्टी में चुनाव होता है लोकतांत्रिक ढंग से और कार्यकर्ता अपनी योग्यता के अनुसार बड़े बड़े पद। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यसभा चुनाव को लेकर बयान दिया और कहा कि समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देना और समर्पित कार्यकर्ता को अवसर देने का काम भाजपा करती है, बहुत योग्य चयन किया गया है, मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं। और सर्वव्यापी भाजपा समाज के हर वर्ग को और समर्पित कार्यकर्ताओं को अवसर देना, कई बार जो सोचते नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, बहुत योग्य चयन किया गया है और मैं मानता हूं कि कार्यकर्ता गदगद और प्रसन्न है। बंसीलाल जी गुर्जर जैसे वरिष्ठ नेता, माया जी नारोलिया जैसी महिला मोर्चे की हमारी अध्यक्षा। देश भर में सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हैं, लेकिन इस सबके बीच पश्चिम बंगाल में 924 परगना जिले में से संदेश खाली यौन उत्पीड़न मामले को लेकर बवाल जारी है। ऐसे में संदेश खाली जा रही बीजेपी की 6 सदस्यीय टीम को पुलिस ने रोक लिया। बीजेपी विधायक अग्नि मित्रा पॉल ने कहा कि दिखाता है कि ममता बनर्जी उनकी सरकार कितनी डरी हुई है, केंद्रीय मंत्रियों को जाने नहीं दिया जा रहा, धारा 144 लगी हुई है, हमने कहा हम सिर्फ 5 लोग जाना चाहते हैं, फिर हमने कहा कि सिर्फ 2 लेकिन केंद्रीय मंत्री को जाने दिया जाए, लेकिन जाने नहीं दिया जा रहा। ममता बनर्जी जानती हैं क्या हुआ है, हिंदू महिलाओं का रेप हुआ है, वो इसे दबाना चाहती है। Clearly shows how afraid
Mamata Banerjee and her government is. Today, central ministers are here. They are not being allowed. Even after saying that five of us will be going, there is section 144 and only five of us will be going. Then we said only two of us will be going, only two ministers will be going. इन्हीं तमाम खबरों के साथ 24 की खबर में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।